नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बात करते हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर के बाद अब खंडवा में नियुक्तियां होल्ड कर दी गई हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि खंडवा के जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नियुक्ति के बाद कई शिकायतें मिली हैं और इसीलिए दोनों नियुक्तियों को फिलहाल रोक दिया गया है। इससे पहले इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए अरविंद बागड़ी के नाम पर विवाद उठने के बाद अब नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। शिकायतों की जांच के लिए पार्टी की तरफ से AICC सचिव कुलदीप इंदौरा को नियुक्त किया गया है। इस मामले में अब बीजेपी से कांग्रेस की गुटबाजी करार दे रही है तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ही होल्ड हो गई है, जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, उन्होंने कांग्रेस में सीएम पद को लेकर तंज कसा और कहा कि चुनाव आते आते कांग्रेस में सीएम पद होल्ड हो जाएगा। लगातार बयान, कांग्रेस में रस्साकसी चल रही है सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा इस बात की। लगातार बयान सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया। जो इनके छोटे भाई हैं ना कमलनाथ जी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कमलनाथ जी की उम्र का ध्यान नहीं रख रहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान रखो। मेरे को तो लगता है कि चुनाव आते आते तक ये मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पे करा देंगे। अब कहा श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है। तो देखिए, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से अब इस पर तंज भी कसा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि कई जिलों के अध्यक्ष होल्ड किए जाते हैं और कई को बदला भी जाता है, क्योंकि नियुक्तियों को बाद में स्थानीय स्तर पर उनका फीडबैक कैसा है इसमें यह भी देखा जाता है। इस आधार पर ही आगे का फैसला इस नियुक्ति में लिया जाता है। देखिए, कई जिलों के होल्ड किए जाते हैं, कई जिलों के अध्यक्ष बदले जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम कोई अध्यक्ष बनाते हैं तो ये देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर उनका फीडबैक कैसा आ रहा है, तो ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ साथ एक बहुत बड़ा उस जिले का संगठन जुड़ा होता है और संगठन में हजारों लोग होते हैं, तो उनकी भी कई बात रखनी पड़ती है, कई चीज़ों को देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि निर्णय आगे जाके लाभप्रद होगा या घाटे वाला होगा। तो इन चीज़ों को लेकर होल्ड किया है लेकिन किसी को हटाया नहीं है। और आप देखें, कुछ समय पहले छतरपुर में भी ऐसा हुआ था, गुना में भी ऐसा हुआ था, इंदौर में भी ऐसा हुआ था, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो देखिए, 2023 से पहले अब कांग्रेस जहां एक तरफ नियुक्तियां कर रही है तो वहीं उसके कुछ देर बाद ही नियुक्तियों को होल्ड भी कर दिया जाता है। अब ऐसे में कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी भी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, 2023 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं, अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में जब ये होल्ड और नियुक्तियों का खेल अगर चलता रहेगा तो कांग्रेस इलेक्शन में आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल 2023 को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है और यही कारण कि हाथ से हाथ जोड़ अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस से दूर होते नजर आ रहे हैं और अंदरूनी जो खींचतान है वो अब पब्लिक के सामने आने लगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा जब वो कार्यकारिणी घोषित हुई उसके तत्काल बाद इंदौर के जो जिला अध्यक्ष बनाए थे अरविंद बागड़ी, उनको होल्ड किया गया और उसके बाद अभी हाल ही में जिस तरीके से खंडवा शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं उनको होल्ड कर दिया गया, कहीं कहीं ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को उजागर करती नजर आ रही। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में देखा, जिस तरीके से अरविंद बागड़ी को जीतू पटवारी का समर्थक बताया जाता है, तो खंडवा का जो प्रभाव, खंडवा क्षेत्र में जो प्रभाव है वो अरुण यादव का, और ऐसे में जो शहरी अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष हैं मनोज दागसे की बात करें या रत्नाकर की बात करें, तो ये दोनों जो जिलाध्यक्ष हैं वो अरुण यादव के समर्थक माने जाते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो पद है कांग्रेस में वो कोई घोषित नहीं होता बल्कि विधायक दल की बैठक में तय किया जाता है, ऐसा यही कारण है कि बयानबाजी के बाद ये दोनों जिलाध्यक्षों को होल्ड करना ये नाराजगी बता रहे हैं कमलनाथ की। तो ये एक जरूर विषय है, कांग्रेस की सोचने वाली बात है
कि 2023 में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में कांग्रेस की जो नाराजगी है अंदरूनी कार्यकर्ताओं की, सूरज कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए और उससे निपटने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति तैयार की गई है ये भी जानना बेहद जरूरी है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेहा बंकर, इसके साथ ही कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैम संगीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इंदौर में नियुक्ति की उसे होल्ड कर दिया, खंडवा में नियुक्ति की उसे होल्ड कर दिया, चुनाव की तैयारी कांग्रेस आखिर कैसे कर रही है, कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे तैयारी तो हमारी 2018 से ही चल रही थी और वो निरंतर चल रही है। ये जो प्रक्रिया है जहां पर थोड़ा कार्यकर्ताओं के बीच में हो जाता है तो उसको लेकर इसे होल्ड कर दिया गया है और ये एक दो दिन में सॉल्व भी हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली मची हुई है। कमलनाथ जी ने दो तीन वचन क्या दे दिए, उससे पूरी पार्टी मुख्यमंत्री से लेकर तो नीचे से छोटा कार्यकर्ता डरा हुआ है और उलझल बयान देने में लगा हुआ है, या तो उल्टे सीधे ट्वीट करते हैं या उल्टे सीधे बयान देते हैं। कमलनाथ जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा और पुरानी पेंशन वापस लागू कर दूंगा, बस ये दो बात क्या कह दी। उसके बाद से तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो विपक्ष से सवाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इतना बड़ा हास्यास्पद है कि जो है विपक्ष जो होता है वो जनता के मुद्दों को उठाता है और सत्ता पक्ष से सवाल करता है, परंतु मुख्यमंत्री जी का बार बार कमलनाथ जी से सवाल करना ये दर्शाता है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। नहीं ठीक है ना संगीता जी, ये तो जनता तय करेगी अगर वादे किए हैं और उन्हीं वादों पर ही तो बीजेपी सवाल उठा रही है ना कि आपने 2018 में भी वचन दिए थे, उन वचनों का क्या हुआ? मैं वही बता रही हूँ आपको, इन्होंने 18 सालों से 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। हमारी मात्र 15 महीनों की सरकार जिसमें लोकसभा चुनाव भी आ गए, नगर निगम भी आ गए, उसके बाद हमने मात्र 12 महीने हमने सरकार चलाई और ये भी शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री जी हमसे सवाल कर रहे हैं कि 15 महीनों का हिसाब दो, जो खुद खजाना खाली करके गए, जो 1400 जो कि 5 दिन के अंदर 5,000 करोड़ का कर्ज लेकर सरकार चला रहे हैं, कर्ज में डूबी हुई सरकार है। सवाल बहुत से संगीता जी, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। संगीता जी बहुत से सवाल है लेकिन कुछ सवाल आपकी ओर से भी उठाए गए हैं, नेहा जी से उनका जवाब ले लेते हैं। नेहा जी क्या कहेंगी, क्योंकि कई सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस के अंदर अंदर खाने अगर चीजें चल रही हैं, नियुक्तियों को लेकर होल्ड किया जा रहा है, नियुक्तियां की जा रही हैं, तो उसमें बीजेपी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है? देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, एक दिन ये अपने संगठन का विस्तार करते हैं, दूसरे दिन वो ले जाकर उसको होल्ड कर देते हैं, और जहां पर स्वयंभू मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न कमलनाथ जी देख रहे थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको स्वप्न देखने से नहीं रोक रही, वो चाहे तो ये भी स्वप्न देख सकते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनेंगे या बुर्ज खलीफा पे जाके झंडा फहराएंगे, तो उनके खुद के जो नेता है वो कमलनाथ जी को नकारने का काम कर रहे हैं। और जो जूतम पैजार की स्थिति है उसमें अभी उदाहरण एक और सामने आ गया है, जहाँ पे खंडवा के भी इनको नियुक्तियों को होल्ड पर करना पड़ा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस एक और तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने चली थी और ये अपने ही कार्यकर्ता अपने ही नेताओं का हाथ नहीं जुड़वा पा रहे हैं, जनता ने तो पहले ही इनसे हाथ जोड़ के किनारा कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, पर स्पष्टता ये है कि कांग्रेस में जो स्थितियां हैं वो पूर्व की तरह ही है, गुटबाजी, कमलनाथ जी को दरकिनार करने की पूरी एक रणनीति, और यही कारण है कि संगठन में लगातार जो विस्तार होना चाहिए कांग्रेस विस्तार के बाद फुल स्टॉप पर आ जाती है फिर से। ठीक है संगीता जी, यहाँ पर संगीता जी से एक सवाल करना चाहेंगे कि जी सूरज अपना सवाल पूछिए कि यदि कांग्रेस ने जंबो कार्यकारिणी घोषित की थी और खासतौर से इंदौर का जिस तरीके अरविंद बागड़ी को हटाया, और अरुण यादव की बात करें तो ये पहला मौका नहीं संगीता जी, इसके पहले भी जब वो जिला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी दो जिलाध्यक्षों को हटाया गया था, किस तरीके से वो जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, हालांकि बाद में उन्हें दोनों को शामिल कर लिया गया, और एक बार फिर जब जंबो कार्यकारिणी घोषित की गई तब भी दोनों जिलाध्यक्षों के नाम थे, तो आखिर ऐसी क्या कमी रही है, क्या कारण रहा जिसकी वजह से दोनों को होल्ड किया गया है, जबकि पहले छानबीन पूरी हो चुकी थी, उस रिपोर्ट भी सौंप दी गई, उसके बाद उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया, और फिर क्या आखिर ऐसी कौन सी शिकायत उनकी हुई कि फिर वापस दोनों को होल्ड कर दिया? संगीता जी, मैंने स्टार्टिंग में ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और यदि कोई नियुक्ति होने के बाद यदि कार्यकर्ताओं की शिकायत आती है या कार्यकर्ता आकर मिलते हैं तो उस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसी वजह से लोकतंत्र हमारी पार्टी में होने के कारण उनकी बात को भी रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि किसी की बात को सुना नहीं जाता, हमारी यह सुना जाता है,
और कार्यकर्ताओं की बात को देखते हुए इसे होल्ड किया गया है। यदि कार्यकर्ताओं की बात पार्टी सुनती है तो क्या जब इंदौर के अरविंद बागड़ी के साथ तमाम जिलाध्यक्ष के समर्थक पहुंचे थे, कमलनाथ से मुलाकात की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी फूलछाप कांग्रेस को जिलाध्यक्ष बनाया है उसको हटाया जाए, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया यदि कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है तो? देखिए, होल्ड का मतलब क्या होता है कि अब उसकी जांच होगी, क्योंकि अरविंद बागड़ी के लोगों ने भी आकर बोला, विनय बाकलीवाल जी जो पहले अध्यक्ष थे उनके लोगों ने भी आके कमलनाथ जी से मिले हैं, और होल्ड का मतलब ही यही होता है कि अब इस पर पुनः निर्णय लिया जाएगा और चर्चा के उपरांत इसको किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसलिए दर्द है कि जनता ने इनसे 2018 में किनारा कर लिया था, भाजपा को हाथ जोड़कर बाहर भगा दिया था, अब हम फिर हाथ जोड़ने के लिए जनता के पास जा रहे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए, नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे विजय वर्गीय जी हो, आप सारे नेताओं से उठाकर पूछ लीजिए कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, एक की भी आवाज नहीं आएगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और वो बोलती इसलिए बंद हो जाएगी कि कोई भी नहीं चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। संगीता जी, कितने मंचों से नरोत्तम मिश्रा बोल चुके हैं, तमाम जो बड़े नेता है वो बोल चुके हैं कि हम तो शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, पर मुख्यमंत्री का पूछ के देखिए आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सामने रखेंगे, बड़ा सवाल उठा रही है, मुख्यमंत्री का पूछ कर देखिए आप। ठीक है, नेहा जी लेते हैं ना, संगीता जी एक सेकंड पूछ लेते हैं, नेहा जी। नहीं देखिए, संगीता जी इस बात से बार बार पीछे हट रही है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से आपस में एक दूसरे से हाथ जोड़े जा रहे हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थितियां बनी। अगर संगीता जी कह रही है कि लोकतंत्र है, तो क्या इनके नेतृत्व के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहले जाते और पता करते कि कौन सा व्यक्ति उपयुक्त रहेगा कौन से पद के लिए। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की भाजपा कार्यालय में हुआ था, इनका जो नेता है जिन्होंने नियुक्तियां की थी वो सक्षम नहीं है, वो बीच में पहले अपने कार्यकर्ताओं के नहीं गए हैं, और ये जो जूतम बाजार की स्थिति है उसको ये किसी भी तरीके से लीपा पोती करने का प्रयास करें, पर आपस में ही जो स्थितियां बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की वो पूर्व में भी वही थी, आज भी वही है। और अजय सिंह जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं, या अरुण यादव भी जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं, जिस तरीके से जीतू पटवारी ने क्रॉस करने का काम किया था कमलनाथ जी को, तो इन्हीं क्षेत्रों की जो है नियुक्तियां होल्ड पर की गई है, तो स्पष्ट के कारण क्या है जी। बिल्कुल, देखिए संगीता जी, एक बड़ा सवाल तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी उठाएगी और सभी पूछ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी लगातार कह रहे थे कि हमारा जो मुकाबला है विधानसभा में या चुनाव में वो बीजेपी के संगठन से है, और जब अपना संगठन तैयार कर रही है तो उसमें इस तरह की अटकलें आ रही हैं, अंदर खाने ही इतना विरोध हो रहा है, तो ऐसे में कैसे आगे कांग्रेस बढ़ पाएगी इस चुनाव में। फिलहाल शुक्रिया आपका संगीता जी, इसके साथ ही नेहा बग्गा जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की नियुक्तियां होल्ड पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का हम रुख करेंगे, यहां से सीधे रुख करते हैं।